हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मॉर्निंग का 8:30 बज रहे हैं। और अभी आज मैं आपके साथ करूँगी मॉर्निंग रूटीन शेयर अपना। दिन मंगलवार है आज, और अभी मैं अपना आगे का मॉर्निंग रूटीन आपको दिखाऊंगी। सुबह से लेके दोपहर तक का अपना रूटीन शेयर करूँगी मैं आपके साथ। तो वीडियो पे बने रहिएगा प्लीज़। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मुझे कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मैं आज शेयर करती हूँ आपको अपना मॉर्निंग रूटीन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी मैं कर रही हूँ क्लीनिंग का। खाना वगैरह मेरा बन गया है सारा, और इसके पापा जा चुके हैं, तो मैं अभी किचन साफ कर रही हूँ अपना। रसोई साफ मेरी हो गई है, अभी मैं करूँगी थोड़ी डस्टिंग। तो ये मैं फ्रिज पे कपड़ा मार लूँगी, हल्का फुल्का कपड़ा थोड़ा बहुत मैं हर जगह मार लेती हूँ ताकि ज़्यादा गंदा ना हो। और ये झाड़ू पोछा रह रहा है बस, और तो सारा काम हो गया है डस्टिंग का और रसोई साफ। तो बस अभी यही एक काम रह रहा है झाड़ू पोछे का, और उसके बाद फिर बस नहाना रह जाएगा। फिर नहा लूँगी मैं अभी। और अभी टाइम बज रहे हैं 9:30 बज रहे हैं अभी सुबह के। और ये मलाई इकट्ठी हो रही थी तो मैंने रात को दही जमा दी थी। तो अभी मेरा थोड़ा खाना पीना बना लूँगी। तो अंकित बिलोरा था, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 10 मिनट में निकल जाता है। क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है तो बस इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दो 1 से 2 गिलास, और 5 मिनट भी नहीं लगती है, मक्खन बहुत ही जल्दी आ जाता है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और अभी फ़िलहाल में मेरे पास यही हाथ वाली रही है तो इसी से निकाल लेते हैं हम। और मैं बना रही हूँ खाना, अंकित निकाल रहा है मक्खन जो मैंने मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ, और फिर मैं उसको 4 से 5 दिनों में जमा देती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है दोपहर का, और मैं नहा ली थी, और अभी अंकित निकाल रहा था मक्खन। खाने का टाइम हो रहा है, सुबह को इसके पापा के ही बनाती हूँ मैं बस। हम तो 1 से 1:30 बजे खाते हैं, सुबह को नाश्ता करते हैं बस, और हम खाना खाते हैं 1 बजे। तो अभी 1 बज रहा है तो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए खाना और अपने लिए भी। और जैसे आपको पता है मेरी बहन गई हुई है घर पर, तो बस सबके लिए अभी मैं खाना बना लूँगी बच्चों के लिए। 2 बच्चे नीचे हैं और मेरे देवर हैं, और 3 बच्चे मेरे और मैं। तो बस अभी मैं सबका खाना बना लूँगी, और वो जो अंकित मक्खन निकाल रहा है हम उसी को यूज़ करेंगे, अभी ताज़ा मक्खन खाएँगे।
और आज मैंने बनाई है गट्टे की सब्जी जो बेसन से बनती है वही बनाई है। और ये मैं निधि को दूंगी खाना। निधि मक्खन नहीं खाती है, वो बोलती है कि उसको खट्टा खट्टा लगता है, स्मेल आती है उसको। और वो निधि पनीर भी नहीं खाती है। तो ये देख के मक्खन आ गया है, मैंने देख रही थी मैं कि तो बता रहा था कि मम्मी निकल गया है, लेकिन थोड़ा ये अभी पतला सा है गर्मी की वजह से ऐसे पिघल रहा है। तो अभी मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये थोड़ा सही हो जाए, क्योंकि इतना पतला इसमें से निकलेगा भी नहीं, ये हाथ सारे सहन जाएंगे तब भी अच्छी तरीके से नहीं निकलने का। और वंशी निधि खा रहे हैं अभी खाना, अंकित पढ़ाई कर रहा है, अभी ये मक्खन के साथ ही खाएंगे। निकाल लिया है, इतना एक टिप्पन भर के मक्खन निकला है, काफ़ी सारा निकला है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखना, और मैंने फ्रिज में रख दिया था तो टाइट हो गया था। और ये केले और अमरूद बचे हुए थे, इनको कोई बच्चा नहीं खा रहा था। अभी 3 से 4 का टाइम हो रहा है शाम का, और मैंने सोचा चलो इनको मैं काट के चाट बना लेती हूँ, वैसे इनको कोई खाने को तैयार नहीं है बच्चा। तो अभी हम इनको काट लेंगे और इसमें नमक मिला लेंगे तो सब बच्चे खा लेंगे थोड़ा थोड़ा, और ये ख़त्म भी हो जाएंगे, नहीं तो ख़राब भी हो रहे हैं पड़े पड़े। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, खुश रहना, मस्त रहना, बाय बाय।